যা নিচে চলে এলে নিচে নিয়ে আসলে চুল রাখার পাচ্ছি না আমার কাপড়ে তাই লাগবে ধরলে সুবিধা হবে না এই হাতে ধরলে সুবিধা হবে ডান হাতে ধরে এই হাতে हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मॉर्निंग एक्चुअली अभी तो मॉर्निंग है बाय द वे तो मैं आज बात करने वाली हूँ भृंगराज की भृंगराज जो पाउडर आता है मार्केट का उसकी बात नहीं होने वाली है आज बात मैं करने वाली हूँ रियल भृंगराज जो कि प्लांट होता है जो कि पौधा होता है तो उसके पत्तियों को या किस किस पोर्शन को भृंगराज का जो भी पौधा होता है उसके हम किस किस पोर्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं घर में यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स है। भृंगराज को जैसे कहा गया है आयुर्वेद में केशराज तो इसका नाम से ही आपको समझ आना चाहिए कि बालों के लिए एक मिराकुलस प्रोडक्ट है एक पौधा है प्रोडक्ट ही है तो ये आपके बालों के 100% जो भी प्रॉब्लम होती है 100 out of 100 सारों को टारगेट करता है सभी को क्योर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको आप किस तरीके से यूज़ करोगे यानी कि जो रियल भृंगराज का पौधा है उसको आप किस तरीके से यूज़ करोगे और कैसे इसको करना होगा क्या क्या इसके बेनिफिट्स है तो वो सारा मैं आज के एपिसोड में आपको क्लियर करके बताने वाली हूँ और ट्यूटोरियल भी है कि किस तरीके से आप इसको अपने बालों में अप्लाई करोगे तो पूरा चीज़ क्लियर करने वाली हूँ। एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में बताने वाली हूँ और एप्लीकेशन भी दिखाने वाली हूँ तो थोड़ा लंबा होने वाला है पूरा देखना एपिसोड पूरा एक बार देख लोगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि दूसरा किसी एपिसोड में जाने की ज़रूरत होगी क्योंकि मैं लगभग सारे चीज़ों का एड्रेस कर दूंगी। और एक डिस्क्लेमर है कि अभी सुबह का टाइम है मैं शूट कर रही हूँ तो आपको थोड़े बहुत आवाज़ें बैकग्राउंड की आ सकती है हालांकि मैं शूट करती हूँ नाइट टाइम में तो उस टाइम में थोड़े से शांत रहता है पर अभी घर में खाना वगैरह बन रहा है तो आपको थोड़े बहुत आवाज़ें आ सकती है। चलो और कोई बात है ना एपिसोड को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना उसके पास जो बेल बटन है उसको भी टैप करके हिट कर देना ताकि आपको इस तरीके की सारी जानकारी वाले वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ सकते हो। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो और लाइक करना बनता है और चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर दो। और कोई बात है नहीं तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। ये मैंने नया किया अपने आप आया तो पहले आप इस पौधे को देख लो। ये है भृंगराज का पौधा मैं किस तरीके से दिखाऊं ये इसी तरीके की होते हैं इतना ही आप देख लो ये इतना ही लंबा होता है हो सकता है कि और थोड़े से इतने लंबे हो जाए इससे ज्यादा यूजुअली इतने होते नहीं है। अब मैं आपको थोड़े से बारीकी से मैं चीजों को दिखाती हूँ हालांकि ये वो एपिसोड तो नहीं है कि मैं आपको भृंगराज का पौधा आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाऊँ वो मैं दिखाऊँ यानी कि कौन सा पौधा एक्चुअल में भृंगराज है वो आप किस तरीके से पहचानोगे। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कमेंट सेक्शन में तो उसके लिए मैं एक अलग एपिसोड लाऊंगी कि आप भृंगराज का पौधा पहचानोगे कैसे पर अगर वो मैं अभी बताने गई ना तो फिर बड़ा कांड हो जाएगा वो फिर यही पूरा एपिसोड ले लेगा ये काफ़ी बड़ा काफ़ी उलझा सा है चीज़ें हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने लायक तो वो मैं नहीं बता रही हूँ। तो अभी बात होती है कि ये देखो मैंने इस पौधे को जैसे कि मैंने क्लिपिंग दिखाया मैंने सिर्फ इस पौधे को मैंने जड़ से निकाला है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। अब मैंने इसको जड़ से क्यों निकाला क्या मैं इसको बर्बाद कर दूंगी जड़ों को नहीं इसका भी काम है वो मैं बताने वाली हूँ। तो आप पहले इनको देख लो जैसे कि ये है मैंने अभी धो के रखे मुझे और थोड़े धोने हैं इसको तो इधर से मैंने इसको निकाला इस तरीके से ये प्लांट्स आता है ये है इसके जो दाने हैं ठीक है इसको अगर आप मिट्टी में डाल दोगे तो ये अगर मिट्टी अच्छी हुई किस्मत अच्छी हुई तो पेड़ उग सकते हैं। ये आप देखोगे कि दिख रहा है फोकस नहीं आ रहा है वन सेकेंड सॉरी यार फोकस आ ही नहीं रहा है पर आप देख ही रहे हो कि ये जो फ्लावर है तो मैं ये सारी चीज़ें मैं क्यों दिखा रही हूँ क्योंकि भृंगराज का ये जो पौधा है जो कि हम बालों के लिए लगाते हैं बहुत सारे लोगों को लगता है क्या हम इसके सिर्फ पत्ते तोड़ ले सिर्फ पत्तों से हम पेस्ट बना के अप्लाई करें नहीं ऐसा नहीं करना है। ये जो पौधा है ये पूरा का पूरा हमारे बालों के लिए इफेक्टिव है इसीलिए मैंने ये मैंने इसको निकाला ताकि मैं आपको बता सकूं। तो अगर हो सके तो इसको जड़ों से लो मैं जड़ों से नहीं लेती क्योंकि ये जड़े रहेंगे तो फिर से पौधे उगेंगे मैं बार बार इसको अप्लाई कर सकूँगी पर आपको दिखाना ज़रूरी था इसलिए मैंने इसको लिया। आप जब भी अगर आपको मिल जाता है ऐसा आप इसके जड़ों से लेकर ये पूरा जो ये जो डंडी है ये जो डंडी है ये भी काम आएगा आपके बालों के लिए कुछ इसमें फेंकने लायक है नहीं। ये जो दाने हैं इसके यानी कि ये जो सीड्स है जो बीज है ये भी काम में आएगा इसका डंटल सब काम में आएगा इसका जो फूल है ये भी काम में आता है इसीलिए मैंने इतना राम कहानी बताया इसको मुझे पूरा निकालना पड़ा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ।
तो इस तरीके से आपको ये सारा, जैसे कि अभी मैंने लिया तो मैं इसको टुकड़ों में मैं दिखाऊंगी वो भी क्लिपिंग है कि मैं किस तरीके से करने वाली हूँ। इसको टुकड़ों में काट के मैं सारा का सारा यू नो पीस लूंगी, ताकि मैं जो भी मैं बताऊंगी आखिर में। तो ये प्लांट्स का मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, ये क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट आते कि इसको हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। मैं एक और बात मैं बताना भूल गई, बंगाली में ना इस पौधे को कहते हैं केशुद पाता। तो जो लोग नहीं पहचानते तो इसको केशुद पाता कहते हैं। आई गेस कि भारत के इतने सारे यू नो लोकल लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम चीज़ों का होता ही है। हालांकि आयुर्वेद का इसका नाम है भृंगराज, आयुर्वेद का इसका नाम है केशराज, पर ऐसे लोकल कुछ ना कुछ नाम, जैसे बंगालीज में इसको केशुद पाता कहते हैं। जो लोग जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनके लिए मैं बता दूँ कि वही पौधा है। तो अब बारी आती है कि इस भृंगराज का काम क्या है हमारे बालों के लिए, ये किस तरीके से काम करता है। तो पहला जो सबको चाहिए वो है कि ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि नए बाल आने में मदद करता है। जिनके भी बाल पतले हो चुके या ब्लरनेस आ चुकी है, यानी कि जो गंजापन आने शुरू हुए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉब्लम के शुरू में उसको यू नो उसको ट्रीटमेंट के अंदर लाओ, क्योंकि एक बार पूरी तरीके से ब्लरनेस हो, मतलब पूरी तरीके से बाल चले जाते हैं ना, फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है। कई बार नहीं भी आते, आयुर्वेद की मदद से भी कई बार नहीं आते, ये बिल्कुल सही बात है। तो शुरू शुरू में करो, इन सारी चीज़ों को आप ऐसे रेगुलर रूटीन में रखो ताकि आपको उस स्थिति में पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े, आई मीन उस स्थिति में आप नहीं जाओ। तो ये आपके नए बाल उगने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि आयुर्वेद में भी इसको एक चमत्कारी पौधे का नाम दिया गया है। इसके साथ साथ ये हमारे बालों को मजबूत करता है। लोग कहते हैं कि हमारे यू नो कंघी में इस तरीके से बाल जड़ों से तो नहीं पर ऐसे यू नो लेंथ से इस तरीके से टूट जाते, तो ये इस तरीके से मजबूती दिलाने में भी आपके यू नो आपके बालों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ ये आपके डैंड्रफ को भी क्योर करता है। आप देख रहे हो मैंने जैसे कहा कि मेरा क्लास है और आपके यू नो 100 out of 100 यू नो सारे प्रॉब्लम्स को क्योर करेगा, तो ये आपके डैंड्रफ को भी क्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अभी आप मेरे बालों को देखो, क्योंकि अभी ठंड थी ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा धूप में बैठी, तो आपको मुझे नहीं पता कि कैमरे में कितना दिख रहा है, पर मेरे बाल बहुत ज़्यादा लाल हो चुके। एक जो होती है कि ग्रेइंग हो जाना, और मेरे जो कन्वर्ट होते हैं वो कलर थोड़े से ना रेडिश हो जाते हैं। जैसे कि अभी मुझे नहीं पता आपको कितना दिख रहा है, पर है थोड़े से लाल कलर हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कुछ दिनों तक करने वाली हूँ, वो भी मैं बताऊँगी कि आपको किस तरीके से इसको कंटिन्यू करना है। तो ये जो है ना मैं आगे बताऊंगी, ये इसका जो रस निकलेगा ना बिल्कुल डीप काला निकलेगा, और मैं उसका भी आपको बताने वाली थी। चलो मैं थोड़ा सा बता दूं कि इससे आपके हाथ काले हो जाते हैं और फिर वो चले जाते, वो एक दो दिन में वो चले जाते। तो ये इतना इफेक्टिव है कि ये आपके यू नो बालों को नेचुरली काला बनाता है। एक जो नेचुरल डाई इसको आप कह सकते हो, एक जो नेचुरल हेयर कलर, जो अगर आप ब्लैक कलर चाहते हो जो कि सब चाहते हैं आई गेस इंडिया में, तो वो आपको ये प्रोवाइड करता है। भृंगराज क्या करता है कि ये बैक्टीरिया और फंगस के अगेंस्ट फाइट करता है। तो इसी का कारण है कि आपके स्कैल्प में अगर बैक्टीरिया बैठेंगे तो डैंड्रफ होगा, तो ये डैंड्रफ को भी क्योर करता है। बैक्टीरिया और फंगस से ये फाइट करता है, अगेंस्ट फाइट करता है। तो इसकी वजह से आपके सिर में जो फोर फुंसी का जो प्रॉब्लम है, छोटे छोटे रैसेस बम्स आ जाते हैं, मुझे प्रॉब्लम होती है गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा, उनसे आपको काफ़ी ये निजात दिलाता है क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है। इसके साथ साथ आप जब भृंगराज को लगाते हो और तो ये ऑटोमेटिक आपके जो जो स्कैल्प की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको प्रमोट करता है, उसको अच्छी तरीके से यू नो स्मूथली जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से होने में उसको मदद करता है। तो इसका सीधा सीधा असर हमारे पूरे जो बालों की हेल्थ पे है उस पर आके पड़ता है। जैसे अगर ब्लड सर्कुलेशन सही रहेंगे तो हमारे नए बाल उगेंगे, हमारे बाल मजबूत होंगे। सारा कुछ ना हमारे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ही निर्भर करता है। चाहे आप स्किन को मानो, चाहे आप बालों को मानो, चाहे आप अपने अंदरूनी हेल्थ को मानो, तो ब्लड सर्कुलेशन का सही ढंग से होना और प्रॉपर ढंग से होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कि भृंगराज प्रमोट करता है। तो मैंने इतने सारे आपको यू नो बेनिफिट्स गिना दिए, तो अभी तो आपको इंटरेस्ट आ ही गया होगा। तो चलिए और कुछ बात ऐसे करने को है नहीं, अब चलते ट्यूटोरियल पे कि आप इसको अप्लाई कैसे करोगे अपने बालों के लिए। तो चलो देख लेते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए अभी इस पैक को कर लेते प्रिपेयर। तो जैसे कि आपने देखा उस पौधे को, तो मैंने आप देख सकते हो मैंने सारा कुछ का छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया। अब जैसे जड़ों को भी देख सकते हो, ये जड़ों का टुकड़ा था। तो अभी आप एक सिलबट्टे की मदद से या मिक्सी की मदद से जो भी अवेलेबल हो जिससे आपको आसानी हो उससे आप इसको पेस्ट कर लोगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने अपने बुआ जी से करवाया क्योंकि उनको अच्छा आता है, मेरे से इतना, क्योंकि ये जो पेड़ है ना थोड़े से यू नो हार्ड है, तो थोड़े आपको पेस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको इसको ऐसे पेस्ट कर लेना है। उन्होंने हालांकि बहुत ही महीन पेस्ट बनाया था,
तो अभी ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा ये काला देखने में लग रहा है। ये थोड़ा आपके नाखूनों में दाग छोड़ सकता है, पर वो एक दो दिनों में चला जाता है। स्किन पे आपके दाग नहीं रहते, थोड़े आपके नेल्स वगैरह में थोड़े दाग रह जाते। तो आप उसको एहतियातन ग्लव्स पहन सकते हो या कुछ आप पॉलीथीन वगैरह रैप कर सकते हो। तो ये अभी पेस्ट बन चुका है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो इस पेस्ट को आपको अपने स्कैल्प से लेके अपने बालों की लेंथ तक जितना आप अरेंज कर पाओ उस हिसाब से आप लगाओगे। अगर आपके पास कम है तो पहले आप स्कैल्प को प्रायोरिटी दोगे, उसके ऊपर पहले अप्लाई करोगे। और अगर बस जाता है तो उसको आप लेंथ पर भी लगाओगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक नेचुरल डाई है, तो एक हेयर कलर है जो कि ब्लैक कलर में आएगा नेचुरली, कोई केमिकल के बिना ही। तो इस तरीके से आप इसको अपने लेंथ पे लगाओगे तो उसको भी थोड़ा काला, उसका जो कलर होता है वो थोड़ा निकलेगा। तो जितना आप अरेंज कर पाओ उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लेना, पर पहले ज़रूरी है कि स्कैल्प पे लगाओ, उसके बाद अगर बच जाता है तो फिर आप इसको लेंथ पे लगाओ। নিচে চলে এলে নিচে আসলে চুল লাগাতে পারছি না, আমার কাপড়ে তাই লাগবে। মাথায় নিয়ে গেলে तो गाइज, जैसे कि अभी देख रहे हो आप, पूरा मैंने इस तरीके से लगा लिया। इतनी अच्छे से इन्होंने लगाया ना, मुझे नींद आ रही थी, आपने नोटिस ही किया होगा, कहीं कहीं मेरे आंखें बंद हो रही थी। तो अभी इस तरीके से आपको इसको रखना है, डेढ़ से लेके दो घंटे तक इसको आप ऐसे ही छोड़ोगे। उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से बड़े करें, नॉर्मल शैम्पू से आप इसको शैम्पू कर सकते हो, और कोई प्रोसेस इसका है नहीं। और इसको आप करोगे हफ्ते में 3 दिन, इसका कहना है। जो विंगड़ा जो होता है, आयुर्वेद का भी मानना है, मेरे थोड़े थोड़े इधर उधर लग चुका है, आयुर्वेद का भी मानना है कि अगर आप कंटिन्यू इसको 3 दिन तक भी करते हो ना, आपको ऑलमोस्ट रिजल्ट इसका हाइस्ट ऑलमोस्ट रिजल्ट इसका आपको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर रेगुलर आप करते हो ना हफ्ते में 3 दिन, 2 हफ्ते में आपका जो हैवी डैंड्रफ या हेयर फॉल या किसी भी तरीके, जैसे जैसे मैंने गिनवाया कि कौन कौन से प्रॉब्लम के लिए आपको काम आएंगे, तो वो सारे आपको क्योर होना दिख जाएंगे 2 हफ्ते के अंदर। इतना तो मेरा गारंटी है, क्योंकि ये मेरा नया नया कुछ ऐसा है नहीं, और मेरा खुद का भी है नहीं, आयुर्वेद का है, उनका ऐसा स्टेटमेंट ही है, और सब इस्तेमाल करते हैं तो सबको पता ही है। तो इसको अब इस तरीके से इस्तेमाल करो, इसको 1.5 से 2 घंटा रखो, उसके बाद नॉर्मली इसको वॉश कर दो जो भी आपका शैम्पू है। और हफ्ते में जैसे मैंने कहा कि 3 दिन करो, 2 हफ्ते में काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो महीने में 2 बार या महीने में 1 बार, क्योंकि रॉ लिप्स तो हमेशा नहीं मिलते, तो इन ऐसे ऐसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं अभी इसको वॉश करके, अब दिखाने लायक तो कुछ बचा है ही नहीं, सारा मैंने ट्यूटोरियल दे ही दिया है। ये इसकी एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि मैंने डिटेल में सारा कुछ बताया। तो एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कुछ बताने लायक है नहीं। मैं इसको 2 घंटे बाद सिंपली वॉश कर दूंगी, और जो भी मेरा इसके बाद सीरम लगाना है या जो भी लगाना है वो मैं अप्लाई कर लूंगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा। मुझे तो मसाज इनसे लेके बहुत, ये मेरे बुआ जी है तो बहुत मुझे अच्छा लगा इनसे मसाज लेके। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता सकता हूँ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। इसका एक प्रॉब्लम है, अगर आपके हाथों में लग जाएंगे तो, अगर आपके नेल्स में लग जाएंगे ना, तो ये जाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। ऐसा कोई परमानेंट दाग इसका नहीं लगेगा, पर इसीलिए मैंने अपने हाथों को बचा लिया, और समझ ही रहे हो। तो यही प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अगर आपके स्किन में लगता है तो वो आपके नहाने के वक्त ही निकल जाएगा, सिर्फ रह जाता है इतना नाखूनों में, और कोई बात बाकी है नहीं। तो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम में जुड़ना मत भूलना, फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना, लाइक और फॉलो करना, वीडियो को शेयर करना। और चलिए, और कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टाटा फॉर द।